अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे, अच्छे से होगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखे होगे। मैंने तो अपना बहुत सारा ख्याल रखा, और जैसे कि आप लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं आ गई हूँ, तो मैं इंडिया आ चुकी हूँ और मैंने बहुत ही इंजॉय किया और बहुत ही बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ देखा उधर पे। वैसे तो मैं जाते रहती हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, बट थोड़ा बहुत घर की शॉपिंग की मैंने, अपने घर के लिए जो सामान लेना था ली, तो वो सामान ले ली और फिर बस थोड़ा हस्बैंड के साथ वहाँ पे इंजॉय करके खा पी के मस्त एकदम अच्छे से आ गई हूँ। थोड़ी ज़्यादा मोटी भी हो चुकी होगी मैं, ऐसा वहाँ तो कुछ काम नहीं था, बस खाना सोना, काम वाम तो सब होता रहता है, तो ऐसा है। तो बस आई हूँ तो बच्चे लोग की फरमाइश है तो कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ, थोड़ा बहुत काम करी, घर साफ करी, और मतलब थे दीदी, मेरी बहन थे, बड़ी बहन थे, वो घर संभालते थे, तो फिर भी बोलते हैं ना जिसका घर है उसी को ही आता है संभालने के लिए, ऐसा है। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो वो मेरे घर में थे, मेरे बच्चों को देखे, मेरे घर को देखे, तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। और अच्छा लगा, थोड़ा माइंड चेंज हो गया था, 2 साल से मैं कहीं गई नहीं थी। एक्चुअली मैं हर साल दुबई जाती हूँ और घूमती फिरती हूँ, तो अभी ऐसा हो गया था, असद बेटा भी जाने वाला था मेरे साथ, बेटी भी जाने वाली थी, बट असद का एग्ज़ाम हो गया था 10वीं का, तो वो नहीं आया, और फिर बेटी को रोकना पड़ा असद के लिए कि तुम रुक जाओ, तो इसके लिए वो रुक गई, तो ऐसा है। फिर चलो अच्छा है, जैसे भी दिन गया। तो अभी हमने अपने ब्लॉग का आगाज़ किया है आज, तो सारे काम निपटा चुकी, खाना खा चुकी, तो आज बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखा दी जो मुझे हमेशा से लेना था मगर मैंने ली नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था। फिर मैं हस्बैंड को बहुत बोलती थी नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, ये ला के दो, ऐसा वैसा, मतलब फिर जब मैं वहाँ गई तो मैंने वीडियो भी डाली थी कि आखिर मुझे मिल ही गया। तो मुझे फूड प्रोसेसर चाहिए था जिससे आटा गूंदना हो, मैं रोटी तो बना लेती हूँ बट मुझे आटा गूंदना बहुत कंटाल आता है, और इतना कंटाल आता है कि मैं तुमको क्या बोलूँ। आटा गूंदने की मेरे पास मशीन है बट वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, उसको क्या ऐसा घुमाना पड़ता है तो मेरे से नहीं होता, तो मैं नहीं यूज़ करती थी। तो मैंने अभी आप देख सकते हो मैंने ये फूड प्रोसेसर लेकर आई हूँ, तो मैंने इसमें खमीर डाल चुकी हूँ। तो बीच में बेटे का फ़ोन आ गया, आज उसकी फेयरवेल पार्टी है, फेयरवेल 10वीं की, तो वो पार्टी में गया है, वहाँ से वो इन्फिनिटी मॉल गया है घूमने के लिए दोस्तों के साथ, तो बस वहाँ से निकल रहा था, तो बोला मम्मी को कॉल कर लेती क्योंकि मैं उसके लिए मतलब बहुत परेशान होती हूँ कि इधर कहाँ जा रहा है किधर जा रहा है, क्योंकि उसके दादा उसको बहुत ज़्यादा ये करते बोलते तुम ध्यान रखा करो उसका, वो जहाँ जाता है उसको पूछा करो क्या है क्या नहीं। वैसे तो बच्चा अच्छा है मेरा, और मैं नहीं थी तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा किया उसने, स्कूल में सब तारीफ कर रहे थे, मैंने सुना उसको, टीचर भी बोल रही थी बहुत अच्छा है। तो फिर आते हैं हम, जो बात बताना चाह रही थी आपको, तो मैंने ये फूड प्रोसेसर लिया था जो जिसमें आप लोग कीमा चॉप कर सकते हो और आटा गूंद सकते हो, स्लाइस वगैरह जो भी करना है, भाजी विजी पूरा सब कुछ इसमें कर सकते हो। मिक्सर भी है, ये फ्लिप्स का है, मैंने ली हूँ। तो हस्बैंड का कान खा चुकी थी तो हस्बैंड ने दिला दिए, बोले ठीक है चलो ले लो अभी, तो बस ले ली। और ये केटल आप देख रहे हो, ये मैंने केटल भी वहाँ से ली हूँ क्योंकि मुझे गर्म पानी यूज़ करने का बहुत शौक है, खाना पकाती हूँ तो ये केटल भी मैंने वहाँ से लेकर आई और बहुत अच्छी है, और हस्बैंड ने दिलाए कि लेके जाओ, क्योंकि घर का सामान जमा करने का मुझे बड़ा शौक रहता है। तो मुझे ये मिल गया ना तो मुझे समझो बहुत सारी खुशी मिल गई थी उस दिन, तो मैं बहुत खुश थी। तो अभी हम आटा गूंथते हैं और आपको बता दें कि इसमें कैसे आटा गूंने जा रहा है। ओके, तो आप लोग देखो मैं कैसे आटा गूंथती हूँ, फिर बताती हूँ आप लोगों को, ऐसा है। और आप लोग को पता है मैंने मोबाइल स्टिक भी लिया है जो कि वीडियो बनाने के लिए, वो भी मुझे मेरे हस्बैंड ने दिलाए, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं बेचारे, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और मैंने जो कुछ भी उनसे मांगा उन्होंने मुझे दिलाए, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ये मत लो वो मत लो। तो आप देख सकते हो ये फूड प्रोसेसर है जो मैं आज आटा गूंदने जा रही हूँ इसमें, ऐसा है। तो मैं अभी गूंद के आपको बताती हूँ।
तो अभी हम इसमें आटा डालते हैं, देखते कैसे आटा गुनी जाता है। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि मैं इसमें आटा गुनूंगी। देखते बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बस आटा गुन जाए हमारा अच्छे से। तो पहले तो देखते थोड़ा डाल के, है ना, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। तो ये मैं इसको लॉक कर देती हूँ, पानी लगेगा तो मैं ऊपर से डालूंगी। तो चलो स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड। आप देख सकते हो कितनी फास्ट फास्ट हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ ये थोड़ा वाला भी जो है इसमें डाल देती हूँ और ये चम्मच से चेक कर लेती हूँ। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा हुआ है। ओह क्या बोलूँ मैं आपको, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं मिल रहा है मुझे। और हस्बैंड का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा मैंने उनको परेशान किया हर चीज़ के लिए। तो ये नीम गर्म पानी है जो मैं पिज्ज़े में डाल रही हूँ, पिज्ज़े के डो में डाल रही हूँ। अभी हम चेक कर लेते हैं कि इसको पानी की जरूरत है कि नहीं। हाँ इसको पानी की जरूरत है क्योंकि आटा भी सॉफ्ट है, बट आटा बहुत ही अच्छा हो गया है। और मैं इसमें अभी पानी डाल देती हूँ अपने हिसाब से। मैंने आपको पिज्जे का डो तो बनाने बताया ही थी, बताने की तो जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो मेरा पिज्जे का डो रेडी हो चुका है। ये देखिए, इसको मुझे हाथ से गुनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आटा गुनने की मशीन मिल गई। तो बस अभी हम इसको निकाल लेते हैं और बहुत ही स्मूदी और बहुत ही अच्छा आटा गुन चुका है, जैसे कि मैं हाथ से भी नहीं गुन सकती हूँ, इतना अच्छा आटा गुना है ये। तो ये मेरा फूड प्रोसीजर है, बहुत 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 ही अच्छा है। तो मैं अभी इसको निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये मेरा आटा हो गया है रेडी। देखो कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा आटा गुना गया है। मैं आज बहुत खुश हूँ मैंने आटा गुन ली। मुझे आटा गुनने नहीं होता क्योंकि एक्चुअली मेरे हाथ में दर्द है, तो मैं ज़्यादा जोर नहीं दे सकती हूँ इसके लिए। मेरे हस्बैंड ने बोले हैं कि देखता हूँ मैं तुम कितनी रोटी खाती हो, तो बनाएंगे और रोटी खाएंगे। मगर बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने ली हूँ, बहुत अच्छा है। बस ये आटा अभी गुन चुका है, तभी रख देती हूँ इसको 2 घंटे के लिए। फिर बच्चे लोग आएंगे तब बनाएंगे हम लोग। तो अभी मैं इसको इसे रैप कर लूँगी, मतलब इसको ढक के बड़े वाले ओवन में रख दूँगी। और मैंने ओवन भी लिया है जो कि बहुत ही अच्छी प्राइस मिली हमको और बहुत ही अच्छा मिला हमको। बोलते ना देर मिला पर दुरुस्त मिला, और बहुत ही अच्छा मिला। मेरे हस्बैंड बोलते हैं हमेशा हर चीज़ों के लिए वेट करना चाहिए तो वो अच्छा मिलता है, और मैं ना बहुत जल्दी घाई कर देती हूँ ऐसा है। तो अब ये रख दी हूँ मैंने इसको, तो अब मैं इसको रख देती हूँ ओवन में। क्या है अभी ठंडी का थोड़ा मौसम है ना, तो ये गर्मी में अच्छे से फॉर्म हो जाएगा और पिज़्ज़ा अच्छे से हमारा बन जाएगा। आज बच्चों की फरमाइश है पिज़्ज़ा खाना है, तो मैं बोली चलो फूड प्रोसेसर तो है अपने पास में, बस अपने को आटा गूनना है। तो अभी आटा गून ली हूँ, अभी इसके बाद इसको सॉस बनाती हूँ। पिज़्ज़े का सॉस भी मैं घर में बनाती हूँ, देखती हूँ बनाऊँगी तो बनाती हूँ,
नहीं तो बाहर से सॉस मंगा लेती हूँ, क्योंकि मैगी का मस जो मिलता है वो बहुत अच्छा रहता है, टेस्टी रहता है, तो वो मंगा लूंगी फिर। नहीं तो वैसे भी काम करके मैं बहुत थक गई, बहुत सारा मैंने काम किया है और ऐसा है। तो अभी मैं थोड़ा वो बर्तन धो लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी बर्तन तो धोना है, तो लग गया सोची मुझे मैंने धो चुकी हूँ, तो उसको मैं लगा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पसारा मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा है तो पहले हम ये बर्तन लगा लेते हैं। अभी ठंडी तो चलेगी, बहुत गर्मी हो रही है, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी हो रही है। और आप लोग सब्सक्राइब करते हैं बट लाइक बटन भी उसका दबा दिया करो, क्योंकि मेरे जानने वाले जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो लाइक बटन भी दबा दिया करो, क्योंकि लाइक का मुझे पता नहीं चलता है, फिर कमेंट में भी नहीं पता चलता कि कौन मुझे सब्सक्राइब किया, किसने मुझे लाइक किया। तो ऐसा है क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम है ना, तो थोड़ा डर लगता है। बीच में तो मैं सोची कि मैं बंद कर दूं, फिर मेरे हस्बैंड बोले अरे इतना क्यों डरती है, हो जाएगा, ऐसा थोड़ी कि मतलब एक तेरे शौक के लिए तूने यूट्यूब चैनल खोला है ना, तो हो जाएगा, ऐसा डरने का नहीं, पीछे नहीं हटने का कोई चीज़ करते हैं हम लोग तो पीछे नहीं हटने का। तो उनका दिलासा था, तो यहाँ तक तो पहुँच गए, इंशाल्लाह आगे भी पहुंच जाएंगे हम लोग, है ना। अगर आप लोग मेरे साथ हो गए तो मैं आगे भी पहुंच जाऊंगी, ऐसा है। तो बस अभी वो बर्तन धो लूं, फिर थोड़ा सा आराम करूंगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, उम्मीद करती हूँ दुआओं में याद रखना, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी, आप भी मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला सबकी जाय समनाएं पूरी करे, और अल्लाह ताला हर जितना बोलना चाहोगी कि अल्लाह हर बेटी की नसीब अच्छी करे, बस इतनी दुआ करूँगी अल्लाह से। क्योंकि जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर बेटी की नसीब अच्छी करे, और मुझसे भी ज़्यादा अच्छी करे, और बहुत खुश रखे। क्योंकि हस्बैंड अच्छे होने चाहिए तो सारी चीज़ें अच्छी होती है, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे है, और मुझे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बहुत खुश हूँ, और आप लोगों की दुआएं भी हैं और मेरे घर वाले भी मेरे साथ हैं। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबको आबाद रखे, खैर खैरियत से रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।